अरमानरीन एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। इशू यह है कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ग्रुप में अगर कोई शख्स ऑब्जेक्शनेबल चीज पोस्ट करता है तो क्या उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और केस बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया है। आइए जानते हैं कि वो फैसला क्या है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाट्सएप यूजर्स की तादाद 2 बिलियन से ज्यादा है। सिर्फ हिंदुस्तान में 400 मिलियन से ज्यादा अफराद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और हर दूसरा शख्स या तो किसी ग्रुप में शामिल है या तो कोई ग्रुप चलाता है और एडमिन है। तो किसी ग्रुप में अगर कोई शख्स ऑब्जेक्शनेबल चीज डाल देता है और उसके खिलाफ कोई केस बनता है तो क्या इसका इल्जाम उस ग्रुप के एडमिन पर भी आयद होता है। इसका फैसला नागपुर बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने ये सवाल आया था और उस सवाल का जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। मामला है क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 573/16 का, जिसमें किशोर चिंतामन तरोने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मामला है। मामला ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और दूसरे शख्स ने उस ग्रुप में एक खातून को जिसका नाम रचना ताई है उसके खिलाफ ऑल फॉल बातें पोस्ट की, फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ये बात सामने आने के बाद रचना ताई ने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी। रचना ताई का कहना था कि जब ग्रुप के अंदर वो ऑल फॉल बातें पोस्ट कर रहा था तो एडमिन ने उसे रोका नहीं, उसे माफी तलब करने के लिए नहीं कहा, उसे ग्रुप से निकाला नहीं और उस पोस्ट को ग्रुप से डिलीट नहीं किया, इसलिए एडमिन पर भी केस दर्ज होता है। चुनांचा पुलिस मुख्तलिफ दफात के तहत इस ग्रुप के एडमिन पर भी मुकदमा दायज करती है। सेक्शन 354A 507 IPC और सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये केस बनने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है, चार्जशीट तैयार करती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। एडमिन बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि इस एफआईआर को और इस चार्जशीट को जो है खत्म किया जाए क्योंकि पोस्ट करने वाला वो नहीं था और एडमिन की हैसियत से उसका कोई गुना नहीं था। कोर्ट के सामने बहस होती है और ये बात सामने आती है कि जो लोग ग्रुप बनाते हैं एडमिन की हैसियत सिर्फ ग्रुप बनाने की हद तक होती है। वो या तो लोगों को ग्रुप में शामिल कर सकता है और या तो लोगों को ग्रुप से निकाल सकता है, लेकिन कोई शख्स कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट अगर ग्रुप में डाल रहा है तो ये एडमिन के इल्म में नहीं आ सकती। और अगर वो पोस्ट अगर वो शख्स डाल देता है ग्रुप के अंदर तो अगर उसका कॉमन इंटेंशन नहीं है एडमिन का तो उसे गुनहगार ठहराया नहीं जा सकता और उस पर मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में एडमिन ने कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट नहीं डाली थी, एडमिन ने रचना ताई के खिलाफ कोई गलत जबान का इस्तेमाल नहीं किया था। ग्रुप में अगर कोई शख्स ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाल रहा है और ये साबित होता है कि कॉमन इंटेंशन के साथ मिली जुली साजिश के साथ एडमिन भी ये काम कर रहा है या एडमिन की नॉलेज प्री नॉलेज के साथ प्री प्लान के साथ अगर ये काम हो रहा है तो उसी सूरत में एडमिन पर मुकदमा कायम किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। बहस मुबहसे के बाद ये बात वाजे हो जाती है कि एडमिन ने इस केस में कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट नहीं डाला था, उसका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था और ये कोई प्री प्लान हरकत नहीं थी, इसलिए एडमिन पर ये केस नहीं बन सकता। अदालत ये फैसला सुनाती है कि ये एफआईआर और ये पूरी चार्जशीट जो है खत्म की जाए और एडमिन को इसमें इल्ज़ाम ना दिया जाए। सवाल ये है कि पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ मामले सामने आ रहे हैं और लोगों पर मुकदमा बनाए जा रहे हैं और जो लोग भी सच बात कह रहे हैं या डिसेंट रख रहे हैं हुकूमत के मामले में उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। शुक्रिया।